नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग MNS न्यूज। नमस्कार, मैं किरण, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। अब खबरें विस्तार से। राज्य और केंद्र सरकार गरीब मरीजों के लिए प्रयास कर रहा है। अच्छी गुणवत्ता भोजन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। हालांकि रोगियों में अमरावती अच्छी व्यापक असंतोष में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जब मरीज के आहार में निकली इल्लिया। अमरावती अस्पताल में वार्ड नंबर 28 के शेख आरिफ, इन्होंने अस्पताल में खाना मंगवाया था और खाना आते ही खाने में केवल इल्लिया ही नजर आई। गोंदिया जिले में काली सागर और पुजारा टोला बांधा पानी की रिहाई के कारण भंडारा जिले में गोसे खुर्द बांध का जल स्तर बढ़ गया है। गोसे खुर्द बांध के 33 दरवाजे खोले गए, 33 से 1 मीटर अंतर में 12 दरवाजे खोले गए और 0.5 मीटर के लिए 21 दरवाजे खोले गए। जिले में से 4790 क्यूसेस पानी का जारी है। विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा रविवार को शोभा यात्रा गोरक्षण सभा धंतोली 4 बजे प्रारंभ होगी, ऐसी जानकारी पत्र परिषद ने दी, जिसमें गोविंद शेंडे, हेमंत जांभुड़कर, प्रशांत तीतरे, अजय निल्दावाद, मनीष मानारे, संकेत आंबेकर, राजेश मुरकुरे, मोहन डिकोंडवार आदि उपस्थित रहे। राहुल खंडारे की रिपोर्ट MNS न्यूज के लिए। शोभा यात्रा में अनेक प्रकार की झांकियां रहने वाली है, दो अखाड़े रहने वाले हैं, कुछ संत रहेंगे और जो प्रथम पूजन जो है उसके लिए यहाँ के जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री मान्य नितिन जी, यह भी उपस्थित रहेंगे। श्री रामपंत जोशी महाराज वो भी उपस्थित रहने वाले हैं, भगीरथ जी महाराज वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा का मार्ग आपको पता ही है, गोरक्षण से प्रारंभ होकर और गीता मंदिर तक इसका मार्ग होगा। दोपहर में 4 बजे गोरक्षण से प्रारंभ होगी और गीता मंदिर में इसका समापन से एक उद्बोधन के साथ में होगा। वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए कुछ व्यवस्था रहेगी। इस शोभा यात्रा में महिलाएं कलश यात्रा लेकर के रहेगी, कलश लेकर के रहेगी, कुछ घोड़ों के ऊपर झांकियां रहेगी, कुछ गाड़ियों पर झांकियां रहेगी। इसके अतिरिक्त तो और सब कोई विशेष। मुझे एक सवाल है, जो शोभा यात्रा में गणेश मूर्तियों को पिछले साल लगाए गए सामान और सेवाओं से मुक्त किया गया। मूर्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर कर है, इसीलिए गणेश मूर्तियों की कीमतें इस वर्ष 5 से 1,000 रुपए तक बढ़ी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में माटी से बने मूर्तियों की तुलना में लोगों में दिलचस्पी नजर आ रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।